तो खबरों के साथ एक बार फिर जुड़ चुके आप मेरे साथ। अगली खबर आ रही है जोधपुर से, जो आपको बता दे कि 2 से 4 फरवरी के बीच G20 वर्किंग एम्प्लॉयमेंट की बैठक को लेकर डेलीगेट्स का आगमन हुआ शुरू। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी के बीच होने वाली G20 की वर्किंग ग्रुप एम्प्लॉयमेंट बैठक को लेकर डेलीगेट्स का आगमन जोधपुर में शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि इस G20 बैठक में मेंबर 20 देशों के प्रतिनिधि, साथ ही 9 गेस्ट देशों के प्रतिनिधि और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। डेलीगेट्स की संख्या 74 से भी अधिक है, जो कि बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए जोधपुर में विशेष इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट सड़क चौराहों को सजाया गया, साथ ही एयरपोर्ट पर उनका संगीत और ढोल थाली के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है और इसमें 3 मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक स्किल्स को लेके है, किस तरह प्रत्येक देश में स्किल गैप होता है, तो किस तरह डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो होता है, किस तरह उसको हम भर पाएं। दूसरा है जो एक इमर्जिंग एरिया है सभी के लिए, वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, किस तरह से हम उनको सोशल सिक्योरिटी दिलवा सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है फाइनेंसिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, कैसे हम मिनिमम लेवल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिलाएं और उसकी फाइनेंसिंग कैसे करें। ये भी मुद्दा पूरे विश्व को इस समय एक इशू है जो सबके लिए आ रहा है। तो ये सब तीनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और प्रेजेंटेशन भी होंगे ILO, OECD, वर्ल्ड बैंक और हमारे भारत के नीति आयोग, EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सब के प्रेजेंटेशन भी होंगे। और उसके बाद किसी एक तरह से प्रिलिमिनरी ओपिनियन हम फॉर्म करेंगे।